बेल रही हूँ। आज फ्रेंड्स वैभव लक्ष्मी माता जी का उद्यापन है। राजू की मेरी मम्मी और मेरी मछली बहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सारा खाना बना रहे हैं। और फ्रेंड्स आज एक स्पेशल डे भी है, आज मेरी छोटी भाई का बर्थडे है। जब उद्यापन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी, खीर, ये सब मेरी मछली बहन ने बनाया है। स्कूल से आने के बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई और फिर मैं और छोटी बहन दोनों मिलके पूरियां बनाने लगे। फ्रेंड्स एक तरफ मैं और छोटी पूरियां बना रहे थे तो दूसरी तरफ मम्मी और बबीता दोनों पूजा कर रहे थे और लड़कियों के भी आने का वक्त हो गया था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी पूरियां बना रहे थे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सात लड़कियां बैठी हुई हैं और मेरी बहन उन्हें प्रणाम कर रही है। ये सारी लड़कियां मेरी बहन की स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए वो शर्मा रही थी जब मेरी बहन उनके पैर पकड़कर प्रणाम कर रही थी। लेकिन दोस्तों आज उद्यापन का दिन है तो इन्हें तो प्रणाम करना बनता है, और उद्यापन के दिन सात या नौ लड़कियों को बुलाकर खीर पूरी खिलाई जाती है। लड़कियों के जाने के बाद हम भी खाना खाने लगे और लड़कियों को एक एक बुक भी दिया गया, वैभव लक्ष्मी माता जी का बुक सबको दिया गया ताकि वो भी घर में जाके उस बुक को पढ़ें और अगर उनके मन में इच्छा हो तो वो भी उस पूजा को कर पाएं। डिनर करने के बाद हम बहुत टायर्ड हो चुके थे और हमें सबको नींद आ रही थी क्योंकि मैं भी स्कूल से आई थी। मेरी मछली बहन वो कॉलेज से आ के वो आज जल्दी आई थी क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना था, तो वो कॉलेज से जल्दी आई। फिर घर की पूरी सफाई करके, पूजा पाठ की सब तैयारी करके फिर वो खाना वाना बनाई, और जो पूरियां बनानी थी वो तो मैं स्कूल से आके फिर मैं बनाने लगी। तो वैसे देखा जाए तो हम सब टायर्ड हो चुके थे, मेरी मम्मी भी टायर्ड हो चुकी थी, दिन भर वो भी काफ़ी काम कर चुकी थी, मेरे पापा ने भी उनकी हेल्प की थी, तो सबको ही टायर्ड हो चुके थे। तो इसलिए हम भाई के बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाए और डेकोरेशन भी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन सोने से पहले मम्मी ने एक केक बनाया था तो उसी केक को उसने काटा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं नाश्ता करके स्कूल चली जाऊँगी।
कल रात को उद्यापन की वजह से हम सब टायर्ड हो चुके थे, खाना खा के हम सो गए, लेकिन सोने से पहले मेरे मम्मी ने एक केक बनाया था घर पे होममेड केक, तो उसी को मेरे भाई ने काटा और उसके बाद हम सब सो गए। लेकिन जो रियल सेलिब्रेशन है वो आज शाम को हम करने वाले हैं, तो मिलते हैं शाम को। सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्कूल से घर वापस आ चुकी हूँ और अभी 4:30 बज रहे हैं और ढेरों बर्तन पड़े हैं, बर्तन भी धोने हैं और उसके बाद ट्यूशन भी होगा और बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे। ट्यूशन जो है वो 5 से 8:30 बजे तक होगा, तो 8:30 बजे फिर तैयार हो के फिर भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और डेकोरेशन भी नहीं किए हैं हम, तो मेरी मचली बहन वो कॉलेज पढ़ाने जाती है, तो देखते हैं वो आने से उसके बाद जो छोटी बहन है और वो मछली बहन दोनों मिलके डेकोरेशन करेंगे।